खबर जनपद बहराइच से। बहराइच किसान रास्ते को लेकर हुए परेशान, लेखपाल कई दिनों से किसानों को कटवा रहे हैं चक्कर। किसानों के खेतों तक जाने का नहीं है रास्ता। चक्रोट होने के बावजूद भी अभी तक न बन सका किसानों का खेतों तक जाने का रास्ता। चक्रोट के नाले के किनारे से मिलकर जोत कर कुछ लोग कर रहे हैं अवैध कब्जा। किसानों का धान लगाने का आ गया है सीजन, आने जाने का रास्ता हुआ बंद। ग्रामीणों ने SDM और DM तहसीलदार से रास्ते को लेकर की शिकायत। SDM के आदेशों को लेखपाल ने किया तार-तार। ग्रामीणों ने लेखपाल पर लगाया घूस मांगने का आरोप। मामला है तहसील बहराइच के दरिया सोरवा गांव का पूरा मामला है। देखिए खास रिपोर्ट। भैया के रोड बंद हसा है भैया, और ये हमें सबका खेत के रास्ता नहीं हुकुल है। हाँ तहसील मशीन का भैया और मशीन का और दू जगह से आगे से हमने तो नापे नहीं आओ नापी दे बार मतलब के हैं तो कहते हैं कि अब 10,000 रुपये दो तो हम फैसला नेपाल कहते हैं कि जब 10,000 रुपये दो तो हम नापे चला डाल साहब रोज रोज भेज आओ जाए तो कोई नाप नहीं। अब धान सबका बैठे लगी हम सबका खेती का रास्ता नहीं कैसे जाओ। हमारा चौरोड नकार के उनका सबका पिछला दिन जाए कि हमारे खेत का रास्ता हो गया। रास्ता तो साहब वही बंद है, माघे पोष सुना बिल्कुल बंद है। अगर वो रहा रास्ता उनके खेत में तो बाहर आवा जाता रहा, अब वो बंद हो गया खरीद ली तो हमें सबका कोई रास्ता नहीं है। तो अब अगर नापक तो कोई फैसला नहीं देते खूटे नहीं गाड़ी में कहीं कि मैंने अब हम फिर रही काल नापक करो ना हो तब से भी आते नापक जब जाओ तो कहा निकाल ही करो ही अब ये चक्रोड के लेकर मामला है। चक्रोड हमारी पड़ नहीं रही है, हम लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये तो काफ़ी दिन से दिक्कत हो रहा है जी। तहसील में दिए हम लोग दरख्वास्त दिए तहसील में, फिर उसके बाद में नेपाल नापने के लिए आए, फिर इधर उधर से उतरे उसके बाद में फिर चले गए। कल परसों उठा रहे हैं फिर आ नहीं रहे नापने के लिए। आप जी कह रहे हैं कि 10,000 रुपये दीजिए फिर चक्रोड निकालेंगे। धान लगाने का सीजन आ गया सर जी, अगर खेत में धान लग जाएगा तो हम लोग को रास्ता किधर से मिलेगा जाने के लिए? किसी को आज लग रहा है किसी को कल लग रहा है, जब लेट हो जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे जी? तब तो समस्या होगी सर जी। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि सर जी हमारा चक्रोड निकल के पड़ जाए, हम लोग को आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए। रसूली चक्रोड बहराइच ब्लॉक हमारा चक्रोड का है। हम लोग 5x5 SDM साहब के यहाँ दरख्वास्त दिए थे चक्रोड के लिए, चक्रोड फिर उसके बाद तहसीलदार साहब के यहाँ दिए तहसील, उसके बाद में आदेश कर दिया दोनों लोग। लेखपाल साहब एक दिन आए नापने के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में आएंगे नापने। आजकल बता रहे हैं लेखपाल हैं तो मिश्रा कह रहे हैं 10,000 दो के तब नापने आएंगे। और चक्रोड के लिए हम लोग बहुत दिक्कत दमसम में एक साल चीज हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द लेखपाल साहब क्लियर कर जाएं, हम लोग अपना आवाजाही रास्ता हो जाए तो अपना धान वान लगाएं। या धान तो कोई किसी खेत से मिट्टी थोड़ी निकालने देगा। धान लगाने में समस्या आ रही है और दूसरी बात की आने जाने के लिए भी शासन से ये चाहते हैं कि जहाँ हो चक्रोट वहाँ निकाल कर ऐसा स्थिति मतलब उसको तुरंत लेखपाल को आदेश करे कि नापे और क्लियर करके बताए कहाँ पर चक्रोट। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ग्राम रसूली चौक विकास खंड चित्तौरा जनपद बहराइच का संख्या जो दिए हैं हमारा 15 और 16 और 20 के बीच में गाटा संख्या 16 जो चक्रोट है ग्राम सा सोहरवा से सीधे यहाँ रसूली तक दरिया नाला में मिला हुआ है, जिसको लेखपाल SDM साहब को चक्रोट नापने के लिए हम लोगों ने दिनांक 24/5/2022 को एवं तहसीलदार महोदय को 30/5/2022 को प्रार्थना पत्र दिया। लेखपाल एक बार आकर के नापे हैं, उसके बाद कहने कि 10,000 रुपया दीजिए तब हम चक्रोड नाप के निकालेंगे, नहीं तो आप लोगों के चेक में निकाल देंगे। जबकि दोनों तरफ से रास्ता अगर निकाला जाए जरीब रख करके तो बीच रास्ता में निकल रहा है, वो इन्होंने खुद बता दिया लेखपाल आशुतोष मिश्रा लेखपाल सोहरवा। रोजाना टाल रहे हैं कि आज नाप देंगे कल नाप देंगे परसों नाप देंगे, लेकिन नाप नहीं रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। मैंने SDM महोदय को दिनांक 24/5/2022 को दिया तथा 30/5/2022 को तहसीलदार महोदय को दिया, लेखपाल आशुतोष मिश्रा के पास मौजूद है। कार्रवाई नहीं की, एक बार नाप के वैसे कहेंगे कहीं कि मैं जब इच्छा होगी तब नापूंगा। प्रशासन से चाहना कि ये चक्रोड जो है सरकारी वो निकल जाए, हम लोगों का आने जाने का रास्ता हो जाए।